हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू RMS क्लासेस। आज के लेक्चर में हम करेंगे प्रॉब्लम्स जो बच्चों ने कमेंट में डाल रखी हैं अलजेब्रा के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर की। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर की जो प्रॉब्लम है, सेकंड पार्ट, चैप्टर फर्स्ट मैट्रिसेस है, एक्सरसाइज इज द फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट। प्रूव दैट ए इज इन्वर्टिबल, देन सो इज ए इनवर्स, एंड ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए आएगा। मीन्स आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि ए इन्वर्टिबल है, तो आपको ये प्रूव करना है कि ए इनवर्स भी इन्वर्टिबल होगी। ठीक है, जो हमें गिवन है वो लेके चलिए। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, ए इज इन्वर्टिबल, ये आपको गिवन है कंडीशन। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एंड अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है देन बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स या फिर ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी आता है। ओके, अगर हम किसी मैट्रिक्स को इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं देन आंसर आइडेंटिटी मिलता है हमें। देयरफॉर अब इसी पे अगर मैं उल्टा अगर आपको बोलूँ कि ए इनवर्स, यहाँ पर मैंने कहा कि ए इनवर्स इज अ इनवर्स ऑफ ए। देखिए यहाँ से जो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है, ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब इनवर्स यहाँ पे ए का मिल गया हमें, एंड बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी आ रहा है। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि ए इनवर्स इज इन्वर्टिबल। कैसे हुआ, देखिए ए इनवर्स को मैंने ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज आइडेंटिटी। देयरफॉर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं आंसर आइडेंटिटी आता है, दैट मीन्स एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स का इनवर्स होता है। ओके, जैसे हमने ये कहा कि ए इनवर्स ए का इनवर्स है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि ए इनवर्स इन्वर्टिबल है, एंड ए इनवर्स ए इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इनवर्स। इसी कंडीशन को रिवर्स कर लेते हैं, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी दे रखा है, दैट मीन्स ए इनवर्स इन्वर्टिबल होगा एंड मैट्रिक्स ए इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इनवर्स। इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स का इनवर्स अगर मैं करूँगी तो क्या आएगा, ए आएगा, बिकॉज ए इज अ इनवर्स ऑफ, ए किसका इनवर्स है, ए इनवर्स का इनवर्स है। तो यहाँ से आपके पास इसी कंडीशन से हम प्रूव कर देंगे कि ए इनवर्स का इनवर्स हमारे पास ए मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज सेकंड, मैट्रिसेस की सेकंड एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6 एंड फर्स्ट पार्ट। इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए आपको दे रखी है नॉन सिंगुलर एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक। मीन्स आपको क्या प्रूव करना है, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक होनी चाहिए, दैट मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए डैश क्या आना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक कब होगा, जब इसका ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। ओके, एंड हमें गिवन क्या है, गिवन है ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, दिस नॉन सिंगुलर एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन ए डैश इज इक्वल टू ए है। ओके, ये कंडीशन आपको गिवन है। तो सबसे पहले ये कंडीशन प्रूव करने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए डैश इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डैश। फर्स्ट वी प्रूव दिस कंडीशन। ठीक है, पहले आपको ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी कि एडजॉइंट ऑफ ए डैश इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डैश आनी चाहिए। ओके, एडजॉइंट ऑफ मीन्स ए का ट्रांसपोज का एडजॉइंट इक्वल होता है। ओके, देखिए कैसे प्रूव करना है, लेट ए मैट्रिक्स हम ले लेते हैं ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर की। ठीक है, एम रोज एंड एन कॉलम्स। ओके, देयरफॉर अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए चेक करती हूँ, यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट क्या होता है,
मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, यानी जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो रो और कॉलम इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए किस ऑर्डर की होगी, इज टाइप ऑफ एन क्रॉस एम ऑर्डर की। क्यों? क्योंकि जब हम ए का एडजॉइंट करते हैं तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, तो अगर ए का ऑर्डर है एम क्रॉस एन तो एडजॉइंट ऑफ ए का ऑर्डर जो है वो एन क्रॉस एम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ए मैट्रिक्स ये दे रखा है एंड ए डैश, ए डैश इज अ ट्रांसपोज ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा ट्रांसपोज, ए आई जे एन क्रॉस एम, ठीक है। मीन्स दिस इज टाइप ऑफ एन क्रॉस एम। अगर मैं ए का ट्रांसपोज लेती हूँ तो ये भी एन क्रॉस एम टाइप की आएगी, ओके। अब हम करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। देखिए यहाँ से हमें कहाँ तक पहुँचना है, एडजॉइंट ऑफ ए के ट्रांसपोज से एडजॉइंट ऑफ ए डैश तक हमें यहाँ पे जाना है। अब यहाँ पे देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का हमें ऑर्डर पता चल गया। अगर मैं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज कर देती हूँ, इम्प्लाइज दैट एडजॉइंट ऑफ ए का या मैंने ट्रांसपोज किया, देखो ये एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स किस ऑर्डर की मिली हमें, एन क्रॉस एम की। और अगर मैं इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करती हूँ, दिस इज टाइप ऑफ, इसका उल्टा हो जाएगा, एन क्रॉस एम है, ये आ जाएगा एम क्रॉस एन ऑर्डर की। समझ गए, एडजॉइंट ऑफ ए, ए मैट्रिक्स थी एम क्रॉस एन की, एडजॉइंट निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे, और फिर से मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेती हूँ तो ये हमारा एम क्रॉस एन ऑर्डर का आ जाएगा, ओके। इधर से अगर ए मैट्रिक्स दे रखी है एम क्रॉस एन ऑर्डर, देन अगर मैं ट्रांसपोज करती हूँ तो एन क्रॉस एम ऑर्डर की मिलेगी हमें। एंड अगर मैं इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करूँ, एडजॉइंट ऑफ ए डैश, ए डैश का एडजॉइंट निकालते हैं, दिस इज टाइप ऑफ, किस टाइप की मिलेगी हमें, फिर से एडजॉइंट कर रहे हैं किसका, ए डैश का, और ए डैश का ऑर्डर कितना है, एन क्रॉस एम। तो अगर एडजॉइंट करोगे तो फिर से ट्रांसपोज जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का, तो ये आ जाएगा एम क्रॉस एन टाइप के। समझ गए, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये इक्वेशन आप फर्स्ट ले लीजिए, दिस इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन सेकेंड, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ जाएगा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। देखिए हमने यहाँ से क्या निकाला है, जो यहाँ पे निकाला फर्स्ट इक्वेशन में एडजॉइंट ऑफ ए डैश, एडजॉइंट ऑफ ए डैश किसके इक्वल आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डैश, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, क्लियर। अब जो आपको प्रूव करना है उस पर चलिए, हमें चाहिए कि ए एडजॉइंट ऑफ ए डैश इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए आ जाए। अब यहाँ से हम प्रूव कर चुके हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए डैश इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, एंड हमें क्या गिवन है, ए डैश किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम, दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, ओके। देन एडजॉइंट ऑफ ए का हमने ट्रांसपोज लिया और इसे के इक्वल शो कर दिया, इम्प्लाइज दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज सिमेट्रिक, ओके। इस तरह से आपको इसको प्रूव करना है। सेकेंड पार्ट दे रखा है, सिक्स्थ क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है, एक्सरसाइज सेकंड, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन शो दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज एन ऑड और इवन। मींस एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक आएगा जब एन यू ऑड या इवन होगा, ये आपको प्रूव करना है। सबसे पहले जो गिवन है वो लेके चलिए, क्या कंडीशन गिवन है, ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट मीन्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। प्रूव क्या करना है आपको, एडजॉइंट ऑफ ए इज सिमेट्रिक, एडजॉइंट ऑफ ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, कब, इफ एन इज इवन और ऑड, ठीक है।
अब कैसे प्रूव करेंगे? जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने करवा था वो मैंने रफ कर दिया, वही दोबारा करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे भी लेट ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ले लेते हैं ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर के, ठीक है? देयर फॉर ए डैश इज टाइप ऑफ, ट्रांसपोज लेंगे तो रो और कॉलम इंटरचेंज, एन क्रॉस एम उल्टा हो जाएगा, कॉलम रो एंड रो कॉलम, एंड एडजॉइंट ऑफ ए डैश। अगर मैं इसका एडजॉइंट लेती हूँ तो फिर से रिवर्स हो जाता है, इज टाइप ऑफ एम क्रॉस एन ऑर्डर, ठीक है? एंड अगर मैं ए का ही एडजॉइंट लेती हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए इज टाइप ऑफ, क्योंकि एडजॉइंट होता है मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, ठीक है? तो ट्रांसपोज लेंगे तो फिर से हमारे पास रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे, एन क्रॉस एम टाइप का, एंड एडजॉइंट ऑफ ए जो हमने ये मैट्रिक्स निकाली है मैं इसका ट्रांसपोज कर लेती हूँ, दिस इज टाइप ऑफ एम क्रॉस एन। लास्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, ये जो हमारे पास आया है एडजॉइंट ऑफ ए डैश, दिस इज ये ऑर्डर आया है इसका एम क्रॉस एन, सेम टू सेम एडजॉइंट ऑफ ए कंप्लीट डैश कंप्लीट ट्रांसपोज, ये भी एम क्रॉस एन, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम मिल गया हमें। इक्वल शो कैसे करेंगे? हम डायरेक्ट ऑर्डर इक्वल है तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं ले सकते, इसलिए थोड़ी लास्ट क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना इसमें। एडजॉइंट ऑफ ए जो इसका एलिमेंट उठा के चलते हैं हम, आईएथ एंड जेएथ एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है? यहाँ पे लिख देती हूँ आईएथ और जेएथ एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए डैश, दिस इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए आई जे अगर एलिमेंट में निकालती हूँ ए एडजॉइंट ऑफ ए डैश का, इसको आप लिख सकते हो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इन ए डैश डिटरमिनेंट, क्योंकि ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इक्वल होता है ए डिटरमिनेंट के, ठीक है? देन दिस इज इक्वल टू आई जेथ एलिमेंट, क्योंकि ए यहाँ पे हमें किसका मिला है कोफैक्टर ए डैश का डिटरमिनेंट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई जेथ एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए डैश, क्योंकि यहाँ से हमने दिखा दिया कि ये जो एलिमेंट है ये कोफैक्टर किसका होगा इन इन दिस डिटरमिनेंट ए डैश डिटरमिनेंट, ठीक है? देन यहाँ से आ जाएगा आपके पास कि फर्स्ट तो हमने यहाँ पे दिखा दिया कि दोनों आपके पास सेम ऑर्डर के आ रहे हैं, ओके? फर्स्ट तो यहाँ से आ जाएगा कंडीशन एक, एंड सेकेंड दिखा दिया कि इसके एलिमेंट भी सेम है, किस किस के? एडजॉइंट ऑफ ए डैश मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, यहाँ पे कंप्लीट डैश है, इम्प्लाइज दैट एडजॉइंट ऑफ ए डैश इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, तो यहाँ से इक्वल आएगा। लास्ट क्वेश्चन में ये मैंने यहाँ तक करवाया था, ये करेक्ट कर लेना है यहाँ पे। नाउ जो आपको प्रूव करना है इसको मैं रफ कर रही हूँ, आपका स्टेटमेंट ये देखिए दोबारा से, इफ़ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, मीन्स हमने जो यहाँ पे लिया था वो हमने ऑर्डर लिया है एम क्रॉस एन का, है ना? अब यहाँ पे हमें ऑर्डर एन दे रखा है, मीन्स यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन ऑर्डर की, तो हम यहाँ से मैट्रिक्स ले लेते हैं, सेकेंड पार्ट कर रहे हैं हम इसका, ये सिक्स्थ का, लेट ए इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, ठीक है? कैसे दे रखी है? स्क्यू सिमेट्रिक दे रखी है, ए डैश इक्वल टू माइनस एक एक, ठीक है? अभी हमने क्या प्रूव किया है कि एडजॉइंट ऑफ ए डैश इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, एंड यहाँ से ट्रांसपोज की वैल्यू रखिए एडजॉइंट ऑफ माइनस ए, ओके? एंड एडजॉइंट ऑफ माइनस ए, ए इज ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस एन, देन अगर मैं यहाँ पे माइनस एन कॉन्स्टेंट कॉमन निकालती हूँ तो ऑर्डर से एक पावर कम हो जाती है, माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है? अगर मैं कॉन्स्टेंट यहाँ से कॉमन लेते हैं एडजॉइंट ऑफ माइनस ए से, ठीक है? देन दिस इज इक्वल टू
अब यहाँ पे एन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी. इफ एन इज इवन अगर एन को आप इवन लेते हैं देन फॉर एग्जाम्पल मैं टू यहाँ पे पुट कर लेती हूँ, ठीक है, देन टू माइनस वन इज अ वन, माइनस वन इज टू पावर वन इज अ माइनस वन, तो ये माइनस आ जाएगा आपके पास, तो आंसर आ जाएगा माइनस एडजॉइंट ऑफ ए. एंड इफ एन इज ऑड, अगर मैं एन की वैल्यू ऑड लेती हूँ दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैंने थ्री ले लेते हैं, थ्री लेंगे, थ्री माइनस वन इज अ टू और माइनस वन रेज टू पावर ए वन इज अ वन, देन पॉजिटिव हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का जब एन हमारा ऑड होगा. तो यही आपको प्रूव करना था कि एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक. अब यहाँ पे देखिए एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज माइनस एडजॉइंट ऑफ ए कब आ रहा है, जब एन हमारा इवन है, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब हमारा एन इवन होगा. यही आपको प्रूव करना था पे स्क्यू सिमेट्रिक इवन पे और सिमेट्रिक ऑड के लिए. एंड जब एन हमारे पास ऑड है तो इसका ट्रांसपोज पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे सिमेट्रिक हो जाएगा. ठीक है, तो ये था आपके फर्स्ट सिक्स क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2. क्वेश्चन नाइन्थ फोर्थ पार्ट, किसी एक बच्चे ने कमेंट में ये भी प्रॉब्लम डाली हुई है, फर्स्ट एक्सरसाइज का ही है इसको, जो आपके पास तीन ही क्वेश्चन गिवन है और मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है. ठीक है, तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इसको हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी, वेयर ए मैट्रिक्स हम क्या लेके चलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, जैसे फर्स्ट रो 1 1 1 एंड सेकेंड इज ए बी सी एंड थर्ड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर. ओके, एंड बी मैट्रिक्स इज जो राइट हैंड साइड पे आपके पास कोफिशिएंट होते हैं लैम्डा म्यू एंड गामा. एंड मैट्रिक्स एक्स इज जो वेरिएबल आपको फाइंड आउट करने एक्स वाई एंड जेड, दिस इज द मैट्रिक्स एक्स. ओके, अब यहाँ से आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, देन सॉल्यूशन क्या बनेगा, फॉर यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास जो एक्स है इक्वल टू ए इनवर्स बी, सॉल्यूशन हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स की वैल्यू चाहिएगी हमें टू फाइंड ए इनवर्स. फर्स्ट हम इनवर्स निकालते हैं, इसके लिए आपके पास ए मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर होनी चाहिए. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे. डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 1 1, ए बी सी इज अ सेकेंड रो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर. अब इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, एक्सपेंड करके कीजिए या फिर इसको आप जो हो वो ऑपरेशन अप्लाई कर लीजिए. ठीक है, जैसे फर्स्ट कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C2, या फिर A माइनस B फर्स्ट में से कर लीजिए, C1 माइनस C2 एंड 2 माइनस 3. ठीक है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 0 1 1, माइनस वन इज अ जीरो, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेकेंड इज अ बी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड थर्ड कॉलम एज इट इज. ओके, यहाँ से जो कॉमन आ रहा है इसके आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे हम, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसको ओपन कर लेंगे एंड ऐसे ही यहाँ भी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे. देन ए माइनस बी इज कॉमन फ्रॉम कॉलम फर्स्ट एंड बी माइनस इज अ कॉमन फ्रॉम जो कॉलम सेकेंड, देन ए माइनस बी एंड बी माइनस सी हम कॉमन ले लेते हैं. फर्स्ट कॉलम इज अ रिमेनिंग वेक्टर इज अ 1 एंड यहाँ पे ए प्लस बी. ओके, सेकेंड कॉलम से बी माइनस सी हमने कॉमन लिया 1 बी प्लस सी एंड 1 सी सी स्क्वायर इज एज इट इज. ठीक है, इसके बाद आप कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस टू का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से हम फिर से माइनस कर सकते हैं कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड को. ठीक है, कॉलम फर्स्ट माइनस कॉलम सेकंड, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज यहाँ पे आप माइनस करेंगे, जो कॉमन फैक्टर है वो भी लिख लेते हैं, ए माइनस बी बी माइनस सी, ये कॉमन चल रहे हैं एंड 0 माइनस 0 इज अ 0
वन माइनस वन ज़ीरो, एंड ए प्लस बी माइनस बी माइन बी प्लस सी, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस सी रह जाएगा यहाँ से, ए माइनस सी, ठीक है। एंड थर्ड एज इट इज, सेकेंड कॉलम है आपके पास जीरो वन बी प्लस सी, एंड थर्ड इज अ वन सी सी स्क्वायर। फर्स्ट कॉलम में से ए माइनस सी, हमें क्या चाहिए, ए माइनस सी, बी माइनस सी, सी माइनस सी ले लेते हैं, देन यहाँ से कॉमन लेंगे हम, ए माइनस बी पहले से ही है, बी माइनस सी, एंड सी माइनस ए कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, सी माइनस ए, देन ज़ीरो ज़ीरो, यहाँ पे माइनस वन रह जाएगा बिकॉज हमने सी माइनस ए कॉमन लिया है, तो माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से, माइनस ए, ज़ीरो वन बी प्लस सी, वन सी सी स्क्वायर। ओके, अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, देन ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, वन के अलोंग अगर आप एक्सपेंड करते हैं, दिस इज ज़ीरो माइनस एंड माइनस प्लस वन, देन हमारा डिटर्मिनेंट आ गया ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, ठीक है। ए बी सी आर नॉन जीरो एलिमेंट्स एंड दिस इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है, दैट मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट करेगा हमारे यहाँ से, कि ए इनवर्स इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट। नाउ अब आपको कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए वन वन इज माइनस वन रेज टू पावर टू, डिटर्मिनेंट ऑफ, आप ए वन वन का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी सी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। ए वन वन इज ए, ये रो और ये कॉलम जो स्किप करके डिटर्मिनेंट ये मिलेगा हमें, माइनस वन स्क्वायर इज अ पॉजिटिव, बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, इसको आप ले सकते हो बी सी इंटू सी माइनस बी। सेम टू सेम आप ए वन टू निकालिए, माइनस ऑफ ऑड हो जाएगा वन प्लस टू, एंड वन टू निकाल रहे हैं, मीन्स दिस दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए सी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, दिस इज ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी, इसको हम लिखेंगे ए सी कॉमन आ जाएगा, सी माइनस ए। ए वन थ्री पॉजिटिव रहेगा, ए वन थ्री इज दिस ए बी एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, ए बी बी माइनस ए, ठीक है। ए वन थ्री हो गया, ए वन फोर, वन फोर इज फोर प्लस वन माइनस का, सॉरी वन फोर नहीं, टू वन, टू वन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो टू वन इज अ नेगेटिव, और हम इस नंबर का निकाल रहे हैं, तो ये रो और ये कॉलम स्किप करेंगे, तो वन वन बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस हमारा बाहर चल रहा है, सी माइनस बी, सी प्लस भी लिख सकते हैं, एंड ए टू टू पॉजिटिव रहेगा, ए टू टू इज दिस नंबर, वन वन ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए टू थ्री इज, टू थ्री इज दिस नंबर, दिस रो एंड दिस कॉलम, वन वन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड ये हमारा नेगेटिव रहेगा, माइनस वन रेज टू पावर फाइव, देन दिस इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए थ्री वन इज माइनस वन रेज टू पावर फोर इज अ पॉजिटिव नंबर, एंड हम इस नंबर का कोफैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, दिस रो एंड दिस कॉलम स्किप करेंगे, वन वन बी सी, वन वन बी सी, दिस इज सी माइनस बी, सी माइनस बी। ए थ्री टू इज अ नेगेटिव, माइनस वन इज टू पावर फाइव, थ्री टू इज दिस नंबर, दिस कॉलम दिस रो, वन वन ए सी, माइनस ऑफ सी माइनस ए। एंड ए थ्री थ्री इज माइनस वन इज टू पावर सिक्स पॉजिटिव, दिस इज वन वन ए बी,
बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास कोफैक्टर निकल गए, और इसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए दिस इज इक्वल टू, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं इसको, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। सबसे पहले हम लिखेंगे ए वन वन इज अ बी सी इंटू सी माइनस बी, ये ब्रैकेट है, ए वन टू इज ए सी इंटू सी माइनस ए, एंड नेक्स्ट इज ए बी इंटू बी माइनस ए, इसका हमें लेना है ट्रांसपोज। एंड ए टू वन दिस नंबर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बार माइनस है, एंड ए टू टू इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब माइनस को एडजस्ट भी कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एंड नेक्स्ट इज माइनस को आप अंदर ले जाइए, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, दिस नंबर इज सी माइनस बी, दिस इज ए माइनस सी, माइनस को हम अंदर लेके जाएंगे, एंड दिस इज बी माइनस ए, ठीक है। इसका हम करते हैं ट्रांसपोज, बी सी इंटू सी माइनस बी, ए सी इंटू सी माइनस ए, ये नेगेटिव था हमारा वन टू, यहाँ पे देखिए ये नंबर हमारा नेगेटिव चल रहा है ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, एंड ये माइनस चल रहा है, माइनस को आप अंदर एडजस्ट कर दीजिए, ये माइनस यहाँ पे ए माइनस सी बना देगा, ठीक है। तो ए इंटू सी ये हो जाएगा ए माइनस सी, माइनस को हम अंदर एडजस्ट कर लेते हैं, ओके। एंड थर्ड इज ए बी बी माइनस ए, नेक्स्ट सेकेंड रो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड सी माइनस बी, ए माइनस सी, बी माइनस ए, ओके। ये आ जाएगा आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ए माइनस बी, बी माइनस सी, एंड सी माइनस ए, ओके। यहाँ पे अगर हम इसको अप्लाई करें, शॉर्ट स्मॉल लिखना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेस कम हो गया, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास दिस मैट्रिक्स डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या था हमारे पास, वन अपॉन ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ठीक है, इनटू आपको लेके चलना है एडजॉइंट ऑफ ए, एंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कौन सी है, ये एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए, वैल्यू रखेंगे हम वन अपॉन, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास आया था ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, एंड एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू रखिए मैट्रिक्स जो अभी हमने निकाली है, सी माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एंड सी माइनस बी। नेक्स्ट रो इज ए सी, ए माइनस सी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए माइनस सी, ए बी इंटू बी माइनस ए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ से आप जो ये मैट्रिक्स के साथ आप किसी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, देन वो हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होता है, ओके। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट दिस डिवाइड बाय कंप्लीट नंबर, तो देन सी माइनस बी, यहाँ पे देखेंगे हम बी माइनस सी है और यहाँ पे सी माइनस बी, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करती हूँ देन हमारे पास क्या आ जाएगा, एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का रह जाएगा बी सी डिवाइड बाय, यहाँ से आ जाएगा ए माइनस बी एंड सी माइनस ए, ठीक है। बहुत लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, एंड इसको आप इससे जब डिवाइड करेंगे देन बी माइनस सी कैंसिल आउट, बी प्लस सी डिवाइड बाय ए माइनस बी, सी माइनस ए, ठीक है। एंड थर्ड इज इसे आप डिवाइड करेंगे
ये हो जाएगा माइनस ऑफ वन डिवाइड बाय, एक फैक्टर कैंसिल आउट, ए माइनस बी एंड सी माइनस ए एज इट इज़। आप सेकंड रो लिख सकते हैं, सेकंड रो से मल्टीप्लाई तो ए माइनस सी यानी कि सी माइनस सी ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस ए सी डिवाइड बाय ए माइनस बी बी माइनस सी, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज सी प्लस ए डिवाइड बाय ए माइनस बी बी माइनस सी, एंड यहाँ पर आ जाएगा वन अपॉन सी माइनस बी ए माइनस बी एंड बी माइनस सी। लास्ट रो दिस इज ए बी, बी माइनस ए कैंसिल, माइनस ए बी डिवाइड बाय बी माइनस सी सी माइनस ए, यहाँ से ए प्लस बी डिवाइड बाय बी माइनस सी सी माइनस ए, एंड नेक्स्ट इज अ माइनस वन अपॉन बी माइनस सी सी माइनस ए, ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। अब हमें सॉल्यूशन जो चाहिए ए इनवर्स की, आपको मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, तो यहाँ पे ही लिख रही हूँ मैं ए इनवर्स बी, किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। तो ए इनवर्स बी आ जाएगा, ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू, एंड बी की वैल्यू क्या है, बी जो राइट हैंड साइड पे आपके पास लैम्डा म्यू एंड गामा और इक्वल टू एक्स है एक्स वाई एंड जेड, तो आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ और एक्स के पहला जो ये जो मैट्रिक्स बनेंगे आपके पास कॉलम मैट्रिक्स आएगी, जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फर्स्ट नंबर होगा वो एक्स के इक्वल, सेकंड नंबर इज इक्वल टू वाई एंड थर्ड नंबर इज इक्वल टू जेड। तो इस तरह से आपको इसका सॉल्यूशन करना है। मेथड सबका सेम होता है, कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हो तो आप इसको चेक कर लेना। एंड आज हम फर्स्ट चैप्टर के ही करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि सेकंड और थर्ड के करेंगे तो बहुत लेंथी लेक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट जो लेक्चर लेंगे हम अलजेब्रा का, उसमें मैं सेकंड चैप्टर जो आपका डिस्कस करवा दूँगी, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा, जो नए पुराने बच्चे हैं जो नए बच्चे होंगे प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। एंड जो कल का लेक्चर होगा कैलकुलस का, नेक्स्ट डे जो होगा वो हम लेंगे अलजेब्रा का, तब तक आप ट्राई कीजिए एंड मेहनत कीजिए, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको क्लियर करवा दूँ, चाहे आप टेलीग्राम पे पोस्ट कीजिए या फिर इस तरह से कोई लेक्चर लेके यहाँ पे मैं आपको कंसल्ट करवाती रहूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप इसको ट्राई करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।